भारतीय मौसम विभाग ने मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। एक खतरनाक चक्रवाती तूफान सक्रिय हो चुका है और इस तूफान का नाम है हामुन। तो किन राज्यों में इससे नुकसान हुआ, किन राज्यों की ओर बढ़ेगा, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी मौसमी व काम की खबरों से अपडेट। मौसम विभाग IMD ने चक्रवाती तूफान हामुन को लेकर अपडेट जारी कर दिया है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान हामुन मजबूत हो रहा है और इसके चलते मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने जनता से तूफान के बारे में अपडेट रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने को कहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान हामुन पिछले 6 घंटों में 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसकी तीव्रता कई घंटे बरकरार रहने की संभावनाएं हैं। इसके बाद यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर होगा। 25 अक्टूबर को बांग्लादेश पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग के अनुसार इसके 25 अक्टूबर की शाम खेपीपुरा और चटगांव के बीच बांग्लादेश तट को पार करने की संभावनाएं हैं। इस दौरान यह लैंडफॉल हो सकता है। चक्रवाती तूफान की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। केरल और तमिलनाडु में बारिश। वहीं चक्रवाती तूफान हामून के कारण केरल और तमिलनाडु में पिछले तेज बारिश देखने को मिली है। यहां 24 घंटों के दौरान बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि साइक्लोन मंगलवार 24 अक्टूबर को तीव्र हो गया था, अगले कुछ घंटों तक तीव्रता बनाए रखेगा और फिर बांग्लादेश में हिट करेगा। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल असम के दक्षिणी भाग, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में अगले 24 घंटों में बारिश देखने को मिलेगी। यमन तट को पार कर गया तेज तूफान। इस बीच अरब सागर में उठा चक्रवाती तेज यमन और ओमान के तट पर पहुंच गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार चक्रवाती तूफान तेज यमन तट को पार करेगा और कमजोर हो सकता है। तो लेटेस्ट अपडेट था चक्रवाती तूफान को लेकर, मौसम विभाग को लेकर। तो इसी प्रकार की मौसमी खबरों और काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।